नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस व्यक्ति पर आरोप है कि ये एक सीरियल किलर है जो 1986 से लगातार हत्या की वारदातों का अंजाम दे रहा है। पुलिस के मुताबिक 54 साल का ये आरोपी सिंहराज सिटी हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता था। आरोपी ने 31 दिसंबर को अपनी जानकार एक लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस तब से आरोपी की तलाश कर रही थी। कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने जो खुलासा किया उसे जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने न केवल 31 दिसंबर को लड़की की हत्या की बल्कि इससे पहले भी उसने कई वारदातों का अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक सिंहराज नाम के इस आरोपी ने 1986 में अपने चाचा और उसके बेटी की थाना छयासा इलाके में हत्या कर दी थी। इसमें इसे गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद 2019 के दिसंबर महीने में इसने चाय की दुकान लगाने वाली एक 15 साल की नाबालिग के साथ भी छेड़छाड़ की कोशिश की और जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी भी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारे ने उसके शव को आगरा नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और उसने अगस्त 2020 में एक बार फिर रिक्शा वाली लड़की को अपना शिकार बनाया और उसका भी गला दबाकर हत्या कर उसके शव को आगरा नहर में फेंक दिया। पुलिस अभी आरोपी से और पूछताछ में जुटी है ताकि अन्य वारदातों का खुलासा हो सके। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। ये सारी बातों का खुलासा हुआ है और इन्होंने जो लड़कियों का हुलिया बताया है और जहाँ पे वो किया है डाली है डेड बॉडी वहाँ की निशानदेही कराई है। ये बिल्कुल अब इस बातों का पर्दाफाश हो चुका है। सर, ये जो हत्या करता था ये किससे करता था? गला घोट कर या किसी धारदार हथियार से करता था? ये मैक्सिमम लड़कियों का गला घोटता था। सब लड़कियों का इसने गला दबाया है, गला दबा के इनकी डेड किया है और बोरी में डाल के ये साइकिल पर रख के ये करके आता था। इस पर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको गिरफ्तार कर हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ तो पूरी टीम का हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने सराहना की है और सब का जो है रिवार्ड भी किया है पूरी टीम का। तो सर, फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? कब अदालत पेश किया जाएगा? इसको कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पे था हमारे 5 दिन पे और कल इसका और मुकदमों में गिरफ्तारी डाल के रिमांड लिया जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।